अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है तेलंगाना टाइम्स टुडे न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज के अहम खबरें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने वो कम है लकड़ी के लेते होंगे खाली आप लोग। कैसे है सुजी? नमस्ते बंधु इवर ले అవన్నీ ఇచ్చేసి కట్టపడి మన చెక్కపడి వేసి రెండు నిమిషాలు తెలియజేసాం అందరు మన ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఆయన మాట ఇవ్వాలి సరే ఓకే మాస్క్ అది లాగుతా तुम्हारा आपका गाड़ी कैसे देखूँ भाई मेहमान हूँ नहीं 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 भैया उनके पुलिस वाले रहते ना आर्मी के। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं मोहम्मद हैदर, नारी निकेतन फाउंडेशन जनरल सेक्रेटरी। आज कुछ दिन कबल पहले मिडचौक पीएस के लिमिट्स में एक जईस साहब रहते थे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था और बातचीत वगैरह भी उनको बराबर नहीं थी। आज उनका इंतकाल हो गया और वो गैर मुस्लिम थे। इतला मिलने पर मैं और सफिया माही जो नारी निकेतन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है हम लोग आज भंगारी संगम जो है ये शमशान घाट के पास आके इनके आखिरी रसूमात पूरे अंजाम दिए। हमारे साथ में मिडचौक पीएस का स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद थे और हम गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से और इंसानी खिदमत के हिसाब से हम जो है नारी निकेतन फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है
जो कोई भी हमारे को देख रही, जिस किसी का भी इंतकाल होता चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, हमको आप रब्ता भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ख़ुद भी उनके आखिरी रसूमात अंजाम देने में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ में महेश भाई भाग्यानगर भंगारी संगम के जो है ये यहाँ के जो जिम्मेदार हैं और उनके साथ में जो दीगर उनके टीम मेंबर्स भी है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं हेल्पिंग एंड फाउंडेशन का, जो फरीद भाई है, एक कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिस्पांस देके उनकी गाड़ी उन्होंने भेजा है। इंशाल्लाह ताला और भी नारी निकेतन फाउंडेशन की जानिब से जो भी फलाह बहबूद के काम रहेंगे, इंसानी खिदमत पे जारी रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।